हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवा चौधरी। तो आज हम दिया बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने मिट्टी के दो दिए यूज़ किए, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को मैंने फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। तो ये एक हमारा ब्यूटीफुल सा बिग दिया बन चुका है। अब हम इसको क्ले की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने फेविकासिल का क्ले लिया है। अब हम इनके दोनों कंपाउंड को ऐड करेंगे। और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिया, जैसे मिट्टी के दिया बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, इसलिए ये इस पर आप इसको कलर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मोल्डिंग क्ले से इसको डेकोरेट करके फेस पे कुछ कर सकते हैं। आप इसको पेंट से भी इसको ड्राइंग कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ मैंने अपने दोनों कंपोनेंट निकाले हैं। अब एक ज़्यादा कंपोनेंट मत यूज़ करिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना, क्योंकि ये कंपोनेंट दो घंटे में सूख जाता है, तो आपका जो क्ले है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़े कंपोनेंट लीजिए और दोनों को मिक्स करके उस क्ले को यूज़ करिए। फिर अगर आपका क्ले ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से इस क्ले बना लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ मैंने क्ले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हाँ, ये आपको अपना क्ले बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपका क्ले अच्छा नहीं बनेगा और वो बहुत ज़्यादा सूखने के बाद हार्ड नहीं होगा, वो टूटने लगेगा जल्दी। अब ये क्ले तो मेरा रेडी हो गया है। मैं इसके छोटे छोटे कॉइल्स बनाऊँगी। कॉइल्स बनाने के बाद इसका बॉर्डर दिया के बॉर्डर को बनाऊँगी। और बॉर्डर के लिए मैं एक उसको स्टिक करने के लिए ग्लू का यूज़ करूँगी। और हाँ, अगर आपको कॉइल्स बनाने में अगर आपका क्ले स्टिक हो रहा है तो आप कोई भी टेलकम पाउडर यूज़ करके उसको फिर अपना क्ले अच्छे से बना सकते हैं। इससे वो कॉइल जो वो स्मूथली ये रोल होता रहेगा और बनता रहेगा। तो यहाँ मैंने एकदम हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा प्रेस, एक साइड अगर आप ज़्यादा प्रेस कर दिए, एक साइड कम, तो आपका जो कॉइल है वो एक साइड मोटा, एक साइड पतला हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एकदम एक लाइन सा कॉइल बना लिया। अब हम इसको दिया पे अपने स्टिक करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फेविकोल का यूज़ किया है। तो आप ग्लू लगाते जाइए और बस अपने क्ले को उस पर पेस्ट करते जाइए। बहुत लोग दिए, बहुत सारे टाइप्स के दिए आते हैं मार्केट में। दिया अगर ऐसा आप परचेस करने जाए तो आपको 80-100 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये तो एक तो नीचे मैंने छोटा दिया यूज़ किया तो वो एक दिया का स्टैंड जैसा फील दे रहा है, ऊपर एक बड़ा दिया है। और इसको जब हम डेकोरेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिखने वाला है। यहाँ पर मैंने ग्लू पहले अच्छे से लगा लिया है। और हाँ, आप टूल की फिक्र मत करिएगा, मेरे पास ये तो क्ले से ही फ्री टूल्स आए थे तो मैंने वो यूज़ किया है। अब टूल के लिए कोई भी नुकीली चीज़ जैसे खाली रिफिल अब हम फिर से कॉइल बनाएंगे और उसको दिया के बॉटम वाले पार्ट में स्टिक करेंगे। इसको भी सेम आपको ऐसे ही रोल करते रहना है और फिर अभी कॉइल के हेल्प से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप कोई टूल यूज़ करिए, बस टूल नहीं है तो कोई भी नुकीली चीज़ जो सर्कल हो उसको आप प्रेस करके ये डिज़ाइन बना लेंगे। हमारा जब बॉटम डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा तो हम दिया के ऊपर किसी भी फ्लावर की छोटी छोटी पत्तियाँ यानी पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स के लिए आपको छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है, उसको चिपटा करना है, पेटल्स का शेप देना है और उसको किसी भी टूल्स के हेल्प से बीच में एक प्रेस करके डिज़ाइन डाल देना है और बस ये हमारा पेटल रेडी हो गया। अब ऐसे ही करके हम पूरे दिया को कवर करेंगे। पेटल को धीरे धीरे हम दिया पे काफ़ी गोल से स्टिक करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ऐसा करते ही मेरा ब्यूटीफुल सा दिया रेडी हो जाएगा, बस उसको कलर करना बाकी रहेगा। तो आप देखते रहिए और मैं फटाफट से ये सारे पेटल्स बना लेती हूँ।
ये हमारा पूरा पेट्रोल रेडी हो गया। इसको मैंने 3 घंटे के लिए सुखा के रख दिया। ये पूरा पेट्रोल सूख गया और ये बहुत ठोस हो चुका है। अब मैं इसे अपने फेवरेट कलर से पेंट करूँगी। अब यहाँ पे मैंने रेड एशियन पेंट लिया। आपको जो कलर पसंद है वो कलर यूज़ करिए। आप फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने ये एशियन पेंट इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। अब यहाँ देखिए मैं हमारा दिया कितना ब्यूटीफुल लगने लगा है। बस अब धीरे धीरे पूरे एरिया को कलर करते जाएंगे। कलर करने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने ब्रश को अच्छे से साफ करके ही रखें। अगर आप एशियन पेंट यूज़ कर रहे हैं और उसने ब्रश को कलर करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका ब्रश ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा कलर कंप्लीट होने वाला है। कलर करने के बाद मैं इसे सूखने के लिए पूरे 1 दिन दूंगी। ये हमारा ब्यूटीफुल सा दिया रेडी।